तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और लंच में बनाऊँगी आज दाल और चावल। और ये मैं चावल लेकर आई थी ना, तो इनको मैं डब्बे में पलट देती हूँ। और छोटे छोटे से ये चावल हैं, जब बनाओ तो अच्छे से खिल जाते हैं, अच्छे से बनते हैं। तो यही चावल मैं लेकर आती हूँ हमेशा, तो ज़्यादा नहीं लाती हूँ, बस इतने ही लेके आती हूँ मैं, मतलब 5 किलो, और फिर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ले आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रखना मतलब मुझे सही नहीं लगता है। और वैसे भी आजकल बरसात है तो डर लगता है कि कहीं कीड़े वगैरह ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी अरहर की दाल, और उसके साथ में ली है थोड़ी सी दाल मसूर, धो के डाल ली है कुकर में, और नमक डाल लिया है। मसाले मैं अभी ही डालूँगी ताकि बनाने में ज़्यादा टाइम ना जाए और फटाक से बन जाता है। ऑयल डाल लिया है, और एक टमाटर डाल लिया है, धनिया, हल्दी, और बस रख दिया है मैंने इंडक्शन के ऊपर। चावल धो के मैं रख लूँगी, और दाल उबल जाएगी तो दाल छौंक लूँगी, और उसी कुकर में मैं चावल चढ़ा लूँगी। चावल मैंने अच्छे से धो लिए हैं 3 पानी से, मतलब 3 बार धो लिए हैं। अरहर और लाल मसूर की दाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाक से बन जाती है। चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं, मतलब भिगोने के लिए रख लिए हैं, और ये देखिए दाल बन गई है। अब मैं चावल चढ़ा लूँगी। और आज ना मुझे फ्रिज को क्लीन करना था, तो आज मैं फ्रिज को डीप क्लीन करूँगी, अच्छे से फ्रिज को नहलाऊँगी आज, आप देखिएगा आगे। और पहले मैं सारा फ्रिज खाली कर लेती हूँ, सारा सामान यहाँ से हटा लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा पुरानी हमारी फ्रिज हो गई है, पर फिर भी मैं इसी तरह से चलाती हूँ इसकी। जो कुछ एक तो जो इसमें ना एक कांच लगा होता है बास्केट के ऊपर, वो टूट गया था। वो कांच नहीं था, वो एक्चुअली प्लास्टिक था, तो उसका जो प्लास्टिक था ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, और जल्दी ही निकल गया था। तो फ्रिज मैंने खाली कर ली है, तो पहले मैं फ्रिज को नीचे उतार लूँगी इसकी ट्रॉली से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं फ्रिज को नहलाने वाली हूँ अच्छे से। और ट्रॉली भी ना इसकी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं करी थी, और जब मैं गांव से आई थी तब भी मैंने ये ट्रॉली साफ़ नहीं करी थी। तो आप देख सकते हो कैसी हो रखी है ये, गंदी सी। तो फ्रिज मैंने हटा लिया है, और इसमें जो इसकी ये बास्केट है इसमें भी पानी भरा हुआ है, जो ये डिब्बा है प्लास्टिक का, तो इसको भी मैं पलट लूँगी। और इसको ना ये जो क्या कहते हैं इसको, पेचकस से मैंने ये इसके स्क्रू निकाले हैं, और ये देखिए ऐसा हाल हो रखा है इसका। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ, और इसमें थोड़े जाले वगैरह लगे हुए थे, क्योंकि डेली तो फ्रिज अब इस तरह से साफ़ नहीं होती है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको अच्छे से ही चमकाऊंगी। और पहले तो मैंने कपड़े से झाड़ लिए थे सारे जाले वगैरह जो लगे थे, और अब मैं ब्रश से जो छूट गए थे उनको निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो पानी का काम होगा नहीं, पानी तो यहाँ लगाना नहीं है। और ये देखिए इतनी मिट्टी इसमें जमी हुई है। फ्रिज को नीचे उतारने में समीक्षा ने हेल्प करी है, और ये जो दीवार है ना इनमें भी थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे, तो ये भी मैंने कपड़े से साफ़ कर लिए हैं। और ये जो ट्रॉली है इसको मैं सीधा बाथरूम में ले जाऊंगी, और बाथरूम में ही इसको अच्छे से क्लीन करूंगी। ये देखिए टूट भी गई थी थोड़ी सी, मतलब पहले से ही टूटी हुई थी। और यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, वैसे तो झाड़ू लग गई थी पहले ही, लेकिन फ्रिज के नीचे कुछ देखा ही आपने कि गंदा पड़ा हुआ था, तो ये मैंने अभी साइड में लगा लिया है। और अब पहले मैं फ्रिज को चमका लेती हूँ फटाफट से। सोडा और सिरका अभी घर में नहीं है, तो मैं सोडा और सिरका का यूज़ नहीं करूँगी। अब वैसे जब मैं ज़्यादातर फ्रिज को क्लीन करती हूँ तो सोडा और विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, लेकिन आज है नहीं, तो आज मैं इसी तरह से काम चला रही हूँ, मतलब साबुन से ही मैं क्लीन कर रही हूँ और स्क्रब से। और ये जो फ्रिज है ना इसमें बर्फ़ भी ज़्यादा जमने लग जाती है अब, पता नहीं क्यों, मतलब ये ख़राब ही होने वाला है, हो ही रहा है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी जम जाती है।
तो आजकल तो अब मैंने लो पर करा हुआ है तो आजकल इतनी नहीं जम रही है अब, लेकिन जब इसको हाई पर रखो तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है कि क्या बताऊँ। ये फ्रिज इतना अच्छा मुझे लगता नहीं है, और इससे पहले वाला जो फ्रिज था ना हमारे पास, वो बहुत ही अच्छा फ्रिज था, सैमसंग का था, और ये है एलजी का, ग्रे कलर का फ्रिज था, बहुत ही अच्छा था। और ये तो काम चलाने वाली बात है, तो इसलिए अभी मैं इसको देना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि काम चल रहा है तो जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, तो उसके बाद मैं चेंज करूँगी। और ये देखिए ट्रॉली में भी इतना ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा था ना ये, कि क्या बताऊँ मैं, और सारा बाथरूम भी गंदा हो गया। ये देखिए जाले जूले से निकल रहे हैं, और ये देखिए ये जो डिब्बा है ना पानी वाला, ये भी डेली नहीं निकलता है, तो इसमें भी ना ये देखिए गंदा हो रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग गया। तो फ्रिज में तो अभी मैंने साबुन लगा के छोड़ा हुआ है, फ्रिज के अंदर भी बाहर भी साबुन लगा रखा है, और ऐसे ही छोड़ रखा है मैंने। और अब मैं इसको बाथरूम में ले जा रही हूँ, और वहीं इसको स्नान करवा दूँगी, लेकिन ध्यान रखूँगी कि ये जो फ्रिज के पीछे तार वगैरह हैं, वायर वगैरह हैं, इनमें पानी ना जाए, तो इस तरह से मैं इसको साफ़ करूँगी। और अगर मैं सोडे का यूज़ करती तो और भी ज़्यादा फ्रिज चमक जाता। थोड़ी देर मैंने फ्रिज को ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब मैं बाहर ले आई थी बाथरूम से, और थोड़ी देर मैंने ऐसे ही सूखने दिया इसको, तब तक हमने खाना पीना खा लिया था, और उसके बाद मैंने फ्रिज में सारा सामान लगाया, और इसकी जो रैक वगैरह थी ना वो मैंने किचन में ही धोली थी। इसमें जो थोड़ी बहुत बर्फ़ जमी थी तो वो पिघली थी ना जब मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ था पहले, धोने से पहले, तो उसी का ये पानी हो गया था यहाँ पे, तो वाइपर मार देती हूँ अभी, इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। खाना खा लिया था तो जब तक बर्तन वगैरह करे मैंने, तब तक फ्रिज भी सूख गया था, क्योंकि मैंने ये धोया था ना, तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, सूखने देना चाहिए। जब इस तरह का कुछ काम करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इस वजह से मैंने फटाफट से खाना भी साथ में ही कर लिया था, ताकि दोनों काम मेरे निपट जाए, क्योंकि खाने का भी बहुत बड़ा एक झंझट सा रहता है, कि पकाना है, फिर सबको खिलाना भी है, खाना है, फिर बर्तन वगैरह हो जाते हैं, साथ के साथ ही किचन भी फिर गंदा हो जाता है, फिर किचन भी साफ़ करो, तो काफ़ी काम फिर बढ़ जाता है लंच बनाने में। तो हाथ के हाथों मेरे दोनों काम निपट गए थे, और फिर मैं बाथरूम में आई, और ये जो बाथरूम गंदा पड़ा हुआ था तो इसको मैंने साफ़ किया। अभी मैंने ऊपर ऊपर से ही ऐसे ही साफ़ कर लिया है, और कल मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि आज इतना नहीं हो पाएगा, तो एक दिन में मैं एक ही हैवी काम करती हूँ, ऐसे नहीं कि एक ही दिन पूरे लगे पड़े रहो, क्योंकि ऐसे में ना थक भी ज़्यादा लग जाती है, और अपने शरीर को आराम नहीं मिलता तो क्या फ़ायदा, तो इसलिए एक हैवी काम एक दिन में करती हूँ मैं। तो आज मैंने फ्रिज क्लीन किया, और अगले दिन मैं पूरे बाथरूम को अच्छे से क्लीन करूँगी, मतलब डीप क्लीन कर लूँगी, ऐसे करने से काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए फ्रिज मेरी चमक गई है अब, और सारा सामान मैं इसमें लगा ले रही हूँ, और गर्मी ना मुझे इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या बताऊँ, क्योंकि बारिश होती है तो थोड़ा आराम मिल जाता है, और फिर बारिश नहीं होती तो फिर उमस जैसे होने लग जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ना मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ, और ये जो वीडियो है ना इसको मैं अपलोडिंग पे लगा दूँगी, तो आज शाम को तक आप लोग इसको देख लोगे, और जो वीडियो मैं अभी शूट करने जा रही हूँ वो आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ, और कल की वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।